प्रदेश कांग्रेस में सोशल मीडिया पर कांग्रेस वरिष्ठ नेताओं पर टिप्पणियों पर प्रदेशाध्यक्ष राठौर द्वारा गठित की गई कमेटी को प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा ने सही ठहराया है। वहीं सुनील शर्मा ने कहा कि पार्टी में अनुशासन महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अनुशासन का पालन सभी को करना चाहिए, चाहे वो पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हो या फिर प्रदेश का बड़ा नेता। उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष का ये कदम सही है और सबको मिलकर इसे सफल बनाना होगा। प्रदेश कांग्रेस में सोशल मीडिया पर कांग्रेस वरिष्ठ नेताओं पर टिप्पणी पर प्रदेशाध्यक्ष राठौर द्वारा गठित की गई कमेटी को प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा ने सही ठहराया है। वहीं सुनील शर्मा ने कहा कि पार्टी में अनुशासन महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अनुशासन का पालन सभी को करना चाहिए, चाहे वो पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हो या फिर प्रदेश का बड़ा नेता। उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष का ये कदम सही है और सबको मिलकर इसे सफल बनाना होगा। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि किसी भी संगठन के लिए, किसी भी पार्टी के लिए अनुशासन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। और अगर कुलदीप सिंह राठौर जी ने प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अनुशासन को सही करने के लिए अगर किसी कमेटी का गठन करने की सोची है, कमेटी को गठित किया है, तो एक अच्छी शुरुआत है। अनुशासन बना रहना चाहिए, लेकिन बतौर हिमाचल प्रदेश महासचिव होने के नाते मैं ये चाहूँगा और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि अनुशासन कमेटी के द्वारा तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, चाहे कोई छोटे कार्यकर्ता हों चाहे वो बड़े कार्यकर्ता हों, उनको अनुशासन में रह करके काम करना होगा, और जिससे पार्टी अनुशासित होगी। और एक अच्छा कदम है, और इस कदम को सफल बनाने के लिए सभी को एक पैमाने से देखना होगा। वहीं भाजपा में उपचुनावों को लेकर टिकटार्थी की होड़ पर चुटकी लेते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि भाजपा को मिली सफलता ने उसके नेताओं के सिर चढ़कर बोलना शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के गग्गल में आयोजित स्वागत में टिकट के चाहवान के अलावा मंत्री पद पाने के लिए भी बीजेपी नेताओं ने आपस में धक्का मुक्की की जा रही है, जिस पर मुख्यमंत्री को बीच में आकर मामले को सुलझाया गया है। ऐसा है कि कई बार अचानक बहुत ज्यादा सफलता भी किसी का रास्ता जो है खराब कर देती है। भारतीय जनता पार्टी को जो ये सफलता मिली, उसका उदाहरण देखने को मिला गगड़ एयरपोर्ट के ऊपर, ना केवल पार्टी टिकट के लिए, लेकिन अब तो भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में मंत्री पद प्राप्त करने के लिए आपस में धक्का मुक्की हो रही है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को आकर के कहना पड़ा कि योग्यता के आधार के ऊपर टिकट दिया जाएगा, और जहाँ पे विकास सबसे ज़्यादा करना होगा उस इलाके से मंत्री बनाना पड़ेगा। हालांकि ये उनकी अपनी पार्टी का अपना मुद्दा है, लेकिन ये स्पष्ट संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और लोगों में एक दूसरे को दबाने की होड़ है, धक्का मुक्की की होड़ है, और उससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो जनता का होगा, जनता के कार्यक्रमों का होगा। पहले भी ये धक्काशाही से सत्ता में आए हैं, तो ये बड़ा दुखद पहलू है जनता के विकास के लिए, लेकिन पार्टी का अंदरूनी मामला है। जयराम जी जाने कि वो इस अनुशासन को कैसे कंट्रोल करेंगे या इस धक्का मुक्की के ऊपर वो क्या कहना चाहेंगे। कुल मिलाकर के भाजपा की जो स्थिति है वो इस मामले को देख के लगता है सही नहीं है। राहुल गांधी के इस्तीफे को लेकर प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी के प्रति सभी की आस्था है और पूरे देश के कार्यकर्ता राहुल गांधी के इस्तीफे को लेकर गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि हार जीत किसी के सफलता और असफलता का पैमाना नहीं है। उन्होंने कहा कि एक समय में बीजेपी के भी 2 या 3 सांसद चुनकर आए थे, तो उस समय बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग राहुल गांधी पर पूरा विश्वास है और फिर से कांग्रेस एक बार देश में अपना वर्चस्व कायम करेगी। ये राहुल गांधी जी हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, आदरणीय अध्यक्ष हैं। चुनाव में हार जीत का एक दौर है जो पहले भी चलता आया है, आगे भी चलता आएगा। हमारी उनमें आस्था है। पूरे हिंदुस्तान से लोग, पूरे हिंदुस्तान की वर्किंग कमेटीज़, प्रदेश के अध्यक्ष उनसे निवेदन कर रहे हैं कि वो अपनी जिम्मेवारियों को चलाएं, हम उनके साथ हैं, और चुनाव में साझा प्रयासों से उनके नेतृत्व में आने वाले चुनाव में हम फिर जनता के सामने जाएंगे, मुद्दों के साथ जाएंगे। और हार जीत किसी के भी सफलता और असफलता का भी पैमाना नहीं होता है। मुद्दों को आगे लेकर के जाना, जनता के बीच में कनेक्टिविटी बनाना ही सफलता का परिचायक देती है। और मुझे याद है अच्छी तरह से एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी के 2 या 3 लोकसभा के सांसद चुन करके आए थे। हमारी हार का मतलब ये नहीं है कि हम
कांग्रेस के लोग जो हैं वो राहुल गांधी जी के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगाना चाहते हैं। हमें पूर्ण आस्था है, विश्वास है और पूरा यकीन है कि उनके नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे और लोगों के मुद्दों को आगे लेकर के जाकर के फिर से कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों की आस्था को बरकरार रखने में कामयाब होंगे। अभी देखिए आप, हमारे मुद्दे बिल्कुल सही हैं। अभी जुमा चार दिन हुए हैं भारतीय जनता पार्टी को जीत का सेहरा बांधे हुए। पेट्रोल की कीमतें देख लीजिए, डीजल की कीमतें देख लीजिए, किसानों का हाल देख लीजिए, और तो और पानी की व्यवस्था देख लीजिए, पीने के पानी तक को मुहैया नहीं करवाया जा रहा है। तो हमारे मुद्दे बिल्कुल सही हैं, लेकिन ठीक है, हमें जनता का जो जनादेश है उसको हम स्वीकार करते हैं। जनता के बीच में जा कर के राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ फिर से लोगों के बीच में जा कर के चुनावी जीत को हासिल करेगी। कार्यक्रम में वक्त चले छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।